में बहुत बड़ी बीमारी है। दहेज का चलन इस कदर हो चुका है कि आप देख सकते हैं कि आजकल कोई भी शादी हम या आप नहीं देख सकते हैं जो बिना दहेज के होती हो। दहेज के नाम पर जमीन दी जाती है, पैसा दिया जाता है, टीवी, फ्रिज, घर के साथ जो सामान दिए जाते हैं। और हमारे समाज में से कई लोग हैं जो दहेज दिए जाने पर भी लड़की को प्रताड़ित करते हैं, या दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़की को या तो जला दिया जाता है या उसके घर वापस भेज दिया जाता है। आज जिस चैप्टर के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, इस चैप्टर में दो महिलाओं के बारे में बात की गई है। एक है सत्यनारायणी चड्ढा, जो कि बिचारी अनपढ़ है, समाज के खिलाफ नहीं लड़ पाई, उनकी बेटी को जलाकर मार दिया गया। और वहीं दूसरी लड़की इसके ठीक विपरीत, वो है निशा शर्मा, जो कि नोएडा की रहने वाली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और जिन्होंने जब दहेज उनसे मांगा गया तो किस प्रकार से उन्होंने समाज का सामना किया, उस दूल्हे को, होने वाले दूल्हे को सबक सिखाया। और वो बताती हैं इस इंटरव्यू में, इस आर्टिकल में, कि किस तरीके से उन्होंने, क्या वजहें थी कि उन्होंने समाज के सामने आवाज उठाई और दहेज के खिलाफ आवाज उठाई। मैं सरताज सर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आप ही की क्लास फ्लुएंस बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्लुएंस इन इंग्लिश का एक और चैप्टर। और आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है हिटिंग डाउरी फॉर अ सिक्स। और इस चैप्टर से ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका नाम है, जो मतलब है हिटिंग डाउरी फॉर अ सिक्स, ये कैसा नाम है। इस चैप्टर के नाम के बारे में मैं लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं दो महिलाओं की कहानी। इस चैप्टर के अंदर आप सत्यरानी चड्ढा और निशा शर्मा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दो अलग अलग महिलाएं हैं। सबसे पहले सत्यरानी चड्ढा के बारे में बात करते हैं। सत्यरानी चड्ढा की बेटी की शादी हुई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद दहेज के लोभियों ने सत्यरानी चड्ढा की बेटी को जलाकर मार दिया। और सत्यरानी चड्ढा वह अकेली अपने आप में एक ऐसी पहली महिला है भारत की जिन्होंने 1970 के दशक में दहेज के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ पर सत्यरानी चड्ढा की बेटी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, उनकी बेटी अनपढ़ थी और उनकी बेटी को पेरेंटल सपोर्ट नहीं था। पेरेंटल सपोर्ट यानी माता पिता का, उनका जो है, माता पिता ने उन्हें हक नहीं दे रखा था कि वो दहेज के खिलाफ या फिर अपने ससुराल वालों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। दूसरा केस इसमें बताया गया निशा शर्मा के बारे में। निशा शर्मा एक पढ़ी लिखी नोएडा में रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उनका जब रिश्ता होता है तो सगाई के कुछ दिनों बाद उनका दूल्हा, उनका होने वाला जो हस्बैंड है, वो दहेज की मांग करता है। और ये बात सुनकर निशा शर्मा वो रिश्ता तोड़ देती हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उनमें ये शक्ति, ये ताकत कहाँ से आई, तो वो बताती हैं कि महिला के पास, लड़की के पास दो ऐसे हथियार हैं जिससे वो दहेज के खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। पहला हथियार है पढ़ाई लिखाई यानी एजुकेशन, और दूसरा है पेरेंटल सपोर्ट। वो कहती हैं लड़की को पढ़ा लिखा होना चाहिए, जब लड़की पढ़ी लिखी होगी तो दहेज मांगने वालों की आंखों में शर्म आएगी और वो उनसे दहेज नहीं मांगेंगे। साथ ही साथ पेरेंटल सपोर्ट यानी अगर पेरेंट्स साथ दें, वो लड़की को मुंह बंद रखने के लिए ना कहें, उसको चुप रहने के लिए ना कहें, तो इस तरह से लड़की अपनी आवाज़ उठा सकती है। आखिर में निशा शर्मा से पूछा गया कि आपको ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिला, तो वो बताती हैं कि मैंने एक फिल्म देखी जिसका नाम था बेंटेड लाइक बैकहम, जिसके अंदर एक फॉरेनर लड़की फुटबॉल खेलती है और वो एक स्टार बन जाती है। और स्टार बनने के बाद जो भी उसके लिए रिश्ते आते हैं, कोई भी दहेज की मांग नहीं करता। वो लोग कहते हैं कि लड़की पहले से स्टार है, हमें दहेज नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उस फॉरेनर लड़की ने फुटबॉल की किक पर दहेज को उड़ा दिया, यानी किक मारकर दहेज को हटा दिया, वो इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई। वैसे ही निशा शर्मा भारत की हर लड़की से कहती हैं कि माना वो फॉरेनर थी, वो फुटबॉल खेलकर दहेज को पीछे कर दिया उसने, आप भारतीय हो और भारत में सबसे मशहूर खेल है क्रिकेट, तो क्रिकेट का ही एग्जाम्पल देते हुए निशा शर्मा कहती हैं कि जब एक लड़की फुटबॉल की किक पर डाउरी को हटा सकती है, तो तुम डाउरी को हिटिंग सिक्स क्यों नहीं कर सकते, यानी सिक्स मारकर क्यों नहीं हटा सकती हो। वो क्रिकेट खेलने के लिए नहीं कह रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया। जिस प्रकार से एक बल्ला होता है जिससे हम जोरदार हिट मारते हैं, सिक्स मारते हैं, तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है, वैसे ही ये बल्ला आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका हथियार है, ये बॉल दहेज है और ये बाउंड्री समाज है। आप अपने पढ़ाई लिखाई रूपी बल्ले से एक ज़बरदस्त हिट मारिए, ऐसा हिट मारिए कि ये जो डाउरी, ये जो दहेज है, ये बॉल है, ये समाज रूपी बाउंड्री से बाहर चली जाए। और इसीलिए इस चैप्टर को हिटिंग डाउरी फॉर अ सिक्स कहा गया है। आइए एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बताऊँगा। तो आपने देखा किस प्रकार से जो पढ़ाई लिखाई होती है वो दहेज को ख़त्म कर सकती है। जहाँ एक और निशा शर्मा हवाला देती हैं, वो बताती हैं कि जो फिल्म थी बेंटेड लाइक बैकहम, उन्हें उससे देखकर प्रेरणा मिली कि किस प्रकार से एक विदेशी लड़की ने फुटबॉल के दम पर, उसकी किक के दम पर दहेज को हटा दिया।
वहीं अगर एक फॉरेनर लड़की, एक विदेशी लड़की ऐसा कर सकती है, तो भारत में जो दूसरा खेल, जो फुटबॉल के बाद जो दूसरा खेल मशहूर है वो एक क्रिकेट, तो एक भारतीय लड़की क्यों नहीं फुटबॉल के किक की तरह, एक क्रिकेट के सिक्स की तरह उस बॉल को बाहर फेंक दे, उस जो डाउरी है उसको हटा दे। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर हिटिंग डाउरी फॉर सिक्स, उसका नाम, उसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि वो जो बॉल है वो आपकी जो है दहेज है, जो बैट है वो एक आपकी पढ़ाई लिखाई एक हथियार है, और जो बाउंड्री है वो हमारा समाज है। तो उस पढ़ाई लिखाई रूपी बल्ले से उस बॉल पर, जो डाउरी है दहेज पर, एक इतना जोर से हिट मारो, इतना जबरदस्त हिट मारो कि एक सिक्स लगे और वो बॉल यानी वो दहेज इस बाउंड्री रूपी हमारी समाज से बाहर चली जाए। तो ये था एक मेटाफॉर, एक अलंकार के रूप में इस चैप्टर का मतलब समझाया गया, हिटिंग डाउरी फॉर सिक्स। आइए चलते चलते अब इसमें कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है।